सर मेरा सवाल ये है, जैसे कि हम सफर में हैं और हमारी जोहर और असर मगरिब छूट गई है, तो जी जैसे आके पहले जोहर पढ़ेंगे, फिर असर पढ़ेंगे, फिर मगरिब पढ़ेंगे, तीनों पढ़ के उसके बाद सुन्नत सबका पढ़ेंगे तो चलेगा क्या? मतलब जैसे जोहर पढ़ लिए फर्स्ट, फिर नहीं असर पढ़ लिए। नहीं आप ऐसा करें, पहले जोहर पढ़ लें, जोहर की सुन्नतें सुन्नतों के साथ, फिर जी असर पढ़ें, फिर मगरिब पढ़ें, जो फर्ज नमाज पढ़ रही हैं उसकी सुन्नतें भी आप साथ में पढ़ लें। अल्लाह जी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजर की नमाज एक बार छूट गई, आप सफर में थे और सारे सारे लोग सो गए, पूरा काफिला जो था सारे लोग सो गए, बिलाल रदी अल्लाहु तआला जी अन्हु भी सो गए, यहां तक कि सूरज निकल आया जब नींद खुली, तो अल्लाह के नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन वहां से कूच करने का हुक्म दिया, दूसरी जगह पहुंच करके आपने फजर की नमाज पढ़ी सुन्नत के साथ। तो जो नमाज आपकी छूट गई है गलती से उज्र की बुनियाद पर, उस नमाज को सुन्नत के साथ आप पढ़ेंगे। जी मतलब के जोहर की नमाज पढ़े तो उसकी सुन्नत पढ़ो, ऐसा नहीं कि हाँ तीनों फर्ज पढ़ने के बाद ही पढ़ो, ऐसा नहीं नहीं चलेगा। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं जी शेख ने कहा, जी पहले फर्ज शुक्रिया पढ़ जी लो, सर। फिर उसकी सुन्नतें, फिर फर्ज, फिर सुन्नतें, इस तरह से आप करो, हर नमाज की जी सुन्नतें शेख उसके साथ पढ़ो। जजाकल्लाह खैर।